अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ PMWI 2023 से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि PMWI 2023 का टीम्स का जो क्वालिफिकेशन सिस्टम है वो चेंज हो चुका है, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन किया था कि तमाम रीजन की PMPL चैंपियन टीम्स को इन्वाइट नहीं दिए जा रहे। तो अभी इसी से रिलेटेड कन्फर्मेशन भी आ चुकी है और PMWI 2023 में टीम्स किस तरह से क्वालिफाई करेंगी इससे रिलेटेड पबजी मोबाइल की तरफ से अनाउंसमेंट भी आ चुकी है, जो कि हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग फ्यूचर में ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एनीवेज गाइस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि PMWI 2023 को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा होगा ऑल स्टार स्टेज और दूसरा हिस्सा होगा मेन टूर्नामेंट। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम बात कर लेते हैं ऑल स्टार स्टेज से रिलेटेड। ऑल स्टार स्टेज में हमें टोटल 18 टीम्स खेलती हुई दिखाई देने वाली हैं, जिनमें 14 रीजन के PMPL टीम्स की वोटिंग करवाई जाएगी और उसमें जो टॉप टीम होगी उसको PMWI 2023 का इनवाइट दिया जाएगा। एक टीम वोटिंग के जरिए PMPL इंडोनेशिया से जाएगी, एक टीम PMPL मलेशिया से, एक टीम PMPL थाईलैंड से, एक टीम PMPL वियतनाम से, एक टीम PMPL सी वाइल्ड कार्ड से, एक टीम PMPL साउथ एशिया से, एक टीम PMPL पाकिस्तान से, एक टीम PMPL तुर्की से, एक टीम PMPL यूरोप से, एक टीम PMPL अरेबिया से, एक टीम PMPL अफ्रीका से, एक टीम PMPL ब्राजील से, एक टीम PMPL लातिन से और एक टीम PMPL नॉर्थ अमेरिका से। तो गाइस इस तरह से 14 टीम्स PMWI 2023 के ऑल स्टार स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी, और मजीद जिन चार टीम्स को PMWI 2023 के ऑल स्टार स्टेज के लिए इनवाइट किया जाएगा उनमें एक साउथ कोरिया से होगी, एक जापान से होगी, एक स्पेशल इनवाइट होगा और एक टीम होस्ट कंट्री से होगी। तो गाइस इस तरह से टोटल 18 टीम्स हमें PMWI 2023 के ऑल स्टार स्टेज में खेलती हुई दिखाई देने वाली हैं। और गाइस इसी के साथ ही अगर ऑल स्टार स्टेज के मैचेस की बात की जाए तो हमें ये 11 जुलाई से 13 जुलाई तक होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं PMWI 2023 के मेन टूर्नामेंट या फाइनल्स कह लें उसके बारे में। तो गाइस PMWI 2023 का जो मेन टूर्नामेंट होगा उसमें टोटल 16 टीम्स खेलती हुई दिखाई देने वाली हैं, और इस मेन स्टेज में टीम हमें किस तरह से क्वालिफाई करती हुई दिखाई देंगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन टूर्नामेंट में टीम कौन कौन सी होगी, जिनमें एक टीम साउथ एशिया से होगी, एक टीम अमेरिका से होगी, एक टीम यूरोप से होगी, एक टीम मिडल ईस्ट और अफ्रीका से होगी, दो टीम्स को PMSL साउथ ईस्ट एशिया से इन्वाइट दिया जाएगा, और मजीद इसके बाद जो इन्वाइटेड टीम्स होंगी उनमें चाइना पेल स्प्रिंग से दो टीम्स होंगी, और उसके बाद मजीद एक टीम JPKR पबजी मोबाइल शोडाउन से होगी, एक टीम KSA सऊदी लीग से होगी और मजीद एक टीम को स्पेशल इनवाइट दिया जाएगा। और PMWI 2023 के मेन टूर्नामेंट में जो बाकी 5 टीम्स होंगी वो ऑल स्टार स्टेज से टॉप 5 टीम्स होंगी, वो हमें इस मेन टूर्नामेंट में खेलती हुई दिखाई देने वाली हैं। मतलब जो ऑल स्टार स्टेज से टॉप 5 टीम्स होंगी उनको PMWI 2023 के मेन टूर्नामेंट में इनवाइट दिया जाएगा। और गाइस मेन टूर्नामेंट 14 जुलाई से स्टार्ट होगा और 16 जुलाई तक चलेगा। और मजीद आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि PMWI 2023 का जो मेन इवेंट है वो सऊदी अरेबिया रियाद में एक लैन इवेंट करवाया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को PMWI 2023 से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन वगैरह होगी दूर होगी होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टा पे DM करके भी पूछ सकते हो। तो गाइस आज की ये वीडियो बस इतनी सी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।